नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका टेक्निकल दोस्त, टेक्निकल बंधु मेहुल पटेल। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि 4000 घंटे कैसे ख़त्म करें। मतलब ये जो YouTube की पॉलिसी है कि मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए 4000 हॉर्स टाइम और 1K सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें एक साल में, वो मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ कि कम से कम समय में 4000 घंटे कैसे कंप्लीट करें। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाए रखा है कि 1K सब्सक्राइबर एक दिन में कैसे कंप्लीट करें। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वो लिंक आई बटन में दे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके आपका वीडियो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये ट्रिक यूज़ करने के लिए कम से कम 10 या 15 वीडियो होना ज़रूरी है। मतलब कि 10 या 15 वीडियो आपको अपलोड करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ या फिर आपका कोई दूसरा चैनल है तो वो भी आप लिंक कर सकते हैं, मतलब कोलेब्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्रोम ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें यूट्यूब ओपन करना पड़ेगा और उसको राइट साइड जो लोगो दिखाया है उसमें जाके आपको डेस्कटॉप करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप कर देंगे तो कुछ ये लैपटॉप में जैसे स्क्रीन खुलती है वैसे तरह हमारे सामने आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरह, ओके, ये डेस्कटॉप वर्जन हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, फिर से लोगो में जाना है। ये देखो डेस्कटॉप वर्जन हो गया है हमारा, और ये राइट साइड ऊपर लोगो जो है उसको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको YouTube बीटा वर्जन में जाना है, YouTube स्टूडियो में। ओके हो रहा है, ओके ये YouTube स्टूडियो में हो गया। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। देखिए मैं जूम करता हूँ उसको, ओके उसके बाद उसको अदर में सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। ओके उसके बाद आपको जाना है वीडियो मैनेजर में जाना है। जैसे ही आप क्लिप करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, उसके बाद उसमें आपको प्लेलिस्ट सिलेक्ट करना है, ये प्लेलिस्ट वीडियो के नीचे। ओके जैसे आप प्लेलिस्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होगा, पेज ओपन होगा। उसमें आप न्यू प्लेलिस्ट में जाना है क्योंकि हमें नया बनाना है। कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे कि कोलाब्रेशन या फिर मतलब कोई भी आप जो चाहे आप अपना नाम रख सकते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम। देखिए मैं नाम लिख रहा हूँ कोलाब्रेशन, ओके कोलाब्रेशन नहीं, ये मेरा रोस्टिंग का वीडियो है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिखूँगा रोस्ट बाइक काठियावाड़ी। ओके नहीं, ये वाला मैंने पहले ही बना रखा है तो मैं यहाँ पे रखूँगा रोस्टिंग, रोस्टिंग। ओके ठीक है, बाद में उसको क्रिएट कर देना है। ये देखो क्रिएट हो गया, इसके सामने कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग दिखा रहा है, सेटिंग है और ये टैग है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद आप पब्लिक रख सकते हैं, अनलिस्ट रख सकते हैं और प्राइवेट रख सकते हैं। पब्लिक का मतलब सबको आप दिखाएंगे, अनलिस्ट का मतलब मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप पब्लिक ही रखें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मानो कि वीडियो का कोई भी डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मेरा ये रोस्टिंग चैनल है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा इंडियन हेड रोस्ट बाय काठियावाड़ी। ओके तो इस तरह बाद में आपको सेव कर देना है। अभी तो मैं कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मुझे डिस्क्रिप्शन क्योंकि मैं बाद में डिलीट ही करने वाला हूँ तो मैं अभी निकाल देता हूँ। ओके उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है
सेटिंग में जाना है, प्लेलिस्ट सेटिंग में। ओके, उसके बाद एडवांस सेटिंग में जाना है। ये देखिए एडवांस सेटिंग में जा रहा हूँ और इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक रखेंगे हम लोग। उसके बाद ये जो मैनुअल वाला है, मतलब यहाँ पे आपको ये लिस्ट दिखा रहा है कि सबसे पहले वीडियो कौन सी आए, तो डेट वाइज है न्यू लिस्ट, डेट वाइज ओल्ड लिस्ट, मोस्ट पॉपुलर और डेट वाइज पब्लिशेड, मतलब कि जब आपने प्राइवेट में से पब्लिश किया है वो सब। ओके, उसके बाद है डेट वाइज डेट पब्लिश ओल्ड लिस्ट, मतलब डेट वाइज आपने सबसे पुराना वीडियो कौन सा है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं आप में सजेस्ट कर लूँगा मोस्ट पॉपुलर वीडियो, ताकि जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हो। और दूसरा मैं सजेस्ट करूँगा न्यूएस्ट, मतलब कि जो भी आपका नया वीडियो हो। उसके बाद आपको जाना है ऑटो एड में, उसको सेव कर लेते हैं पहले। उसके बाद जाना है ऑटो एड में। तो ऑटो एड में क्या है, ऑटो एड में है एड रूल्स, मतलब यहाँ पे आप जो टाइटल में डिस्क्रिप्शन डालेंगे और टैग में जो डिस्क्रिप्शन डालेंगे उसके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा तो वो आपका ऑटोमेटिकली प्लेलिस्ट में आ जाएगा। जैसे कि ये मेरा काठियावाड़ी चैनल का नाम है, तो मैं सब वीडियो में काठियावाड़ी डालता हूँ टैग में और डिस्क्रिप्शन में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काठियावाड़ी टैग में और डिस्क्रिप्शन में डालूँगा रोस्टिंग। तो जैसे ही मैं रोस्टिंग डालूँगा तो देखिए बाद में मैं सेव करता हूँ तो मुझे यहाँ पर शो करेगा कि इसके रिलेटेड 10 वीडियो है। ओके, तो उसको सिलेक्ट करके हम सेव कर देंगे। ओके, ये सेव हो गया और ये देखिए उसके रिलेटेड 10 वीडियो जो थे वो हमें प्लेलिस्ट में शो कर रहे हैं। उसके बाद आप सेटिंग में जाइए, वहाँ पे अगर आपके कोई दूसरी चैनल है, दूसरे वीडियो है, ये आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक जनरेट करके आप वो लिंक उसको शेयर करेंगे तो जैसे ही वो लिंक ओपन करेगा तो उसमें अपना वीडियो डाल सकते हैं। तो ये ऐसे करके आप दूसरी चैनल का भी वीडियो एक प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया पूरा अपना प्लेलिस्ट और कुछ इस तरह दिखेगा। जैसे कि ये पूरा मेरा पूरा 10 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बन चुका है। अभी आपको क्या करना है, ये जो 10 वीडियो है उसको आप प्ले ऑल कर देना है, मतलब जब आप फ्री है, आप कोई वर्क नहीं कर रहे तो आप प्ले ऑल कर साइलेंट मोड में रख के आपको प्लेलिस्ट में रख देना है। वो अपने आप एक के बाद एक वीडियो पूरा चलता रहेगा, मतलब कि सारी वीडियो चलती रहेगी। इससे आपका दो फायदा होगा, एक तो आपकी वीडियो सर्चिंग में आएगी और दूसरा आपका चार हज़ार घंटे का वॉच टाइम है वो भी आपका बढ़ता रहेगा। मानो कि ये जब मैं शाम को सो रहा हूँ तो मैं उसको रख दूँगा ऑन करके, तो सुबह तक जितना वीडियो है पूरा देख लिया जाएगा। तो उतना वीडियो, मतलब कि 10-10 मिनट का अगर 10 वीडियो है तो 100 मिनट, मतलब मेरी 100 मिनट एक दिन में बढ़ जाएगी। मतलब जैसे आपका वीडियो बढ़ता जाएगा आपका मिनट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, इसके लिए आपको मल्टीपल अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। एक ही अकाउंट से आप यूज़ करेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आपका चैनल ज़्यादा ग्रो होगा और ज़्यादा सर्चिंग में आपकी वीडियो भी आएगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई आपका ऐसा बंदा है जो कि ये चैनल बना रहा है तो आप उसको बोलिए कि आपका वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखे, कम से कम एक दिन, दो दिन, तीन दिन देखिए। और अदरवाइज ये आप अपना मल्टीपल अकाउंट बना के ऐसे भी आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।